हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन के बारे में, और हमारे कई सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके पूछा था कि आप बताइए बिना किसी बॉक्स के हम स्मार्टफोन को अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें मौका मिल गया, सोचा कि चौका मारी दूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जो ये लिटी वी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, और इसकी कीमत लगभग 9,990 रुपये है, और ये फ़ोन जो है और सब फोन से थोड़ा हट करके है, ठीक है। और इस फोन में जो है जीमेल लॉक लगा हुआ है, इसे हमें अनलॉक करना है बिना किसी बॉक्स के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सभी फ़ोन को आप बिना किसी बॉक्स के अनलॉक नहीं कर सकते, और कई कई फ़ोन है जिसे आप बिना किसी बॉक्स के अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने इससे पहले कई फ़ोन को आप फॉर्मेट किए होंगे, जैसे सैमसंग, लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, इन सभी स्मार्टफोन को आप अपने हाथों से फॉर्मेट किए होंगे। एंड्रॉयड स्मार्टफोन को मूड ला करके उसका आप उसे फॉर्मेट किए होंगे, हार्ड रीसेट किए होंगे, लेकिन ये फ़ोन जो है थोड़ा सा हट करके है। और इस फोन को कैसे अनलॉक करना है तो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फोन में क्या फैसिलिटी है, और इसके बारे में आपको बता दूं कि ये फ़ोन जो है इसमें जो USB डाटा केबल, चार्जिंग केबल जो लगता है इसमें जो है LG 3500 केबल नहीं लगता है, इसमें CP केबल लगता है। और ये CP केबल जो है दोस्तों तो ये दोनों तरफ से लगता है, आप किसी तरफ से भी इस केबल को लगा सकते हैं इस फोन में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फोन में जो है 32 GB इंटरनल मेमोरी है, और इसमें 3 GB रैम है, और इसका जो IC है, CPU जो है इसका मीडियाटेक हेलो X10 प्रोसेसर है इसमें, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सैमसंग अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में CP केबल को यूज़ करने वाला है। 2017 से वो अपने सभी स्मार्टफोन में CP केबल ही लाने वाला है। और आपको बता दूं कि CP केबल को जो लॉन्च किया है, जिसे जियोनी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, और इसका एंड्रॉयड वर्जन 6.0 है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2017 में जो भी स्मार्टफोन सैमसंग ने लॉन्च किया है, उन सभी स्मार्टफोन में जो उसका वर्जन है एंड्रॉयड वर्जन 6.01 है। और 2017 के बाद जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होगा सैमसंग का, उसमें CP केबल यूज़ होगा, और उसका एंड्रॉयड वर्जन 6.01 से भी आगे हो सकता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों 2017 का जो भी स्मार्टफोन है सैमसंग का, उसे आप OTG केबल या साइड सेंस या किसी अदर टूल से आप उसका FRP अनलॉक नहीं कर सकेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2017 का जो भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है सैमसंग का, उन सभी का जो FRP आप Z3X बॉक्स से कर सकते हैं। और अगर आपके पास मान के चलिए कि बॉक्स नहीं है, आप बिना किसी बॉक्स से भी उसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। और उसे अनलॉक करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जो ये लिटी वी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, और इसमें जो है पैटर्न लॉक लगा हुआ है, और इस पैटर्न लॉक को हमें जो है अनलॉक करना है इस मोबाइल को, यानी कि हमें हार्ड रीसेट करना है, ठीक है। तो और सब मोबाइल को आपने किया होगा, लेकिन इसका थोड़ा जो है फंक्शन जो थोड़ा इसका अलग है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको इसे कैसे अनलॉक करना है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल को जो है स्विच ऑफ कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम प्लस है और पावर बटन है सबसे नीचे में, ठीक है। तो वॉल्यूम प्लस बटन को और पावर बटन को आपको एक साथ दबा के रखना है। दोनों को एक साथ दबाना, और जैसे ऑन हो जाए तो आपको पावर बटन को छोड़ देना है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो फंक्शन है थोड़ा हट करके है, और सैमसंग को आपने फॉर्मेट कभी किया होगा तो आपको याद होगा कि उसका जो फंक्शन था, उसका जो मोड था, वो अलग टाइप का था, और इसमें जो है अलग टाइप का है, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दो तरह का ऑप्शन है, और एक है अपग्रेड करने का है, और दूसरा उसके नीचे में जो है क्लियर डाटा। तो ऊपर में जो अपग्रेड करने का जो ऑप्शन है, तो ठीक है, उस अपग्रेड करने वाले ऑप्शन को आपको टिक को उसको अनचेक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले जो है आपको क्लियर डाटा में आपको टिक लगाना है, उसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपग्रेड का टिक आपको जो है हटा देना है, क्योंकि अगर आपने अगर अपग्रेड के टिक को लगा के अगर स्टार्ट किया तो आपका मोबाइल जो है अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा, और बीच में रुकेगा तो आपका जो सॉफ्टवेयर जो है करप्ट हो जाएगा। इसलिए आप जब भी इस तरह का फ़ोन आपके पास आए, इस तरह का फंक्शन वाला फ़ोन आपके पास आए, तो अपग्रेड का जो टिक है उसे आपको हटा देना है, और क्लियर डाटा पर आपको टिक लगाना है।
उसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, और स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद जब ये वापस आएगा तो इसे आपको रीस्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप इसको रीस्टार्ट आप नहीं करेंगे, सिर्फ स्टार्ट पर क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं वापस आ चुका है और हमें रीस्टार्ट पर क्लिक करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करके। आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ़ोन जो है फॉर्मेट नहीं हो पाएगा, अगर बार बार हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोन जो है फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा फिर स्टार्ट पर क्लिक किया, लेकिन ये जो है फॉर्मेट नहीं हुआ, और हमें एक बार सिर्फ स्टार्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें रीस्टार्ट पर क्लिक कर देना है और हमारा जो ये फ़ोन है जो ये फॉर्मेट हो जाएगा। और इसमें और आगे भी कुछ प्रोसेस है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें। थोड़ा समय लगेगा सेट को ऑन होने के लिए, देते हैं, जैसे हमारा सेट ऑन होगा फिर हम आपको इसका जो आगे का प्रोसेस है वो आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, और लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो इंग्लिश को ही इंग्लिश में ही रहने देंगे, और हमें यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद हमसे यहाँ हमारा कंट्री पूछा जा रहा है, ठीक है, हमें अपना कंट्री यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो कंट्री हमारा इंडिया है, ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है, तो चलिए हम इंडिया को ही रहने देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिम मांगा जा रहा है, तो चलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। वाईफाई मांगा जा रहा है, वाईफाई को भी हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसे ऊपर स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको ऊपर में स्क्रॉल किया, ऊपर की तरफ सरकाया, तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमसे जो हमारा फिंगरप्रिंट्स मांगा जा रहा है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें कंटिन्यू करते चले जाना है, फिर से कंटिन्यू करना है, यहाँ हमें स्किप कर देना है। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो फोन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।